हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि हमारे एलटी वाले एस्पिरेंट्स हैं और डीएलएड वाले जो और सीटेट वाले जो अभी तक सीटेट के फॉर्म भर चुके हैं या जिन्होंने इस बार सीटेट की परीक्षा देनी है और जिन्होंने एलटी का पेपर देना है, उनके लिए प्रमुख शिक्षण विधियाँ हम लेकर के आए हैं, टीचिंग मेथड जो होते हैं। तो क्या कौन कौन से वो प्रमुख शिक्षण विधियाँ हैं जो हमें पेपरों में पूछी जाती हैं, 20 शिक्षण विधियों का जिक्र हम यहाँ पर करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे वो क्या हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी हम डीएलएड, एलटी और सीटेट के लिए ऐसी वीडियो लेकर के आएंगे। तो कमेंट में सुझाव दें कि आगे आप वीडियो किस विषय पर चाहते हैं। तो शुरू करते हैं इसी के साथ हम आज की वीडियो। पहली विधि हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि। विधि सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि विधि क्या होती है। विधि विधि वह होती है जिसके द्वारा हम शिक्षण कार्य को सरल बनाते हैं, अपने शिक्षण कार्य को हम सरल बनाते हैं। तो सरल बनाने का कार्य करती है हमारी शिक्षण विधियाँ, ठीक है। और शिक्षण विधियों के ही अंतर्गत हमारे आते हैं शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण सूत्र शिक्षण विधियों की इकाई होती है, ठीक है। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं? शिक्षण विधियों की इकाई होती है। शिक्षण सूत्र आप जानते होंगे जैसे होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो ये जितने भी होते हैं ये होते हैं आपके शिक्षण सूत्र। लेकिन शिक्षण विधियाँ अलग होती हैं, शिक्षण सूत्र अलग होती हैं। जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो शिक्षण विधियों की इकाई होती है, यानी कि उसी के अंदर समाहित रहती, शिक्षण विधियों के अंदर समाहित रहती हैं आपकी शिक्षण सूत्र, ठीक है। तो पहला पहला पहली विधि है यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि दी है यहाँ पर किल पैट्रिक ने, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि का तात्पर्य है जिसको आप सुनते हैं कि आज एक नया प्रोजेक्ट के द्वारा हमें बताया गया, या फिर आप देखते हैं कि प्रोजेक्ट हमारे क्लासरूम में भी अब लगने लगे हैं, जैसे कि आईसीटी का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो प्रोजेक्ट विधि इन्होंने कहा था कि बच्चों को कोई चीज़ उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना है, प्रदर्शन करके दिखाना है। तो इसी के अंतर्गत आ जाता है आपका प्रोजेक्ट विधि। तो ये दी है सबसे पहले आपके किल पैट्रिक ने। दूसरी विधि है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि दी है फ्रोवेल ने, ठीक है, जो जर्मनी के थे। किंडरगार्टन विधि में होता क्या है? किंडरगार्टन दो प्रकार के होता है, एलकेजी और यूकेजी, लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन, ठीक है। किंडरगार्टन का तात्पर्य होता है बच्चों का एक गार्डन, ठीक है, बच्चों के बगीचा। इसका तात्पर्य होता है बच्चों का एक बगीचा जिसमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, जिनको खुला छोड़ दिया जाता है, एक बगीचे के रूप में खुला छोड़ दिया जाता है, और वहाँ वो खेल द्वारा सीखते हैं या कुछ अन्य क्रियाओं द्वारा सीखना प्रारंभ कर दिया। विद्यालय में स्थिर रहना वो सीखते हैं कि 1-2 घंटे कैसे इनको विद्यालय में रोका जाए। तो लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन, जिनको हम बोलते हैं बच्चा एलकेजी में है या बच्चा यूकेजी में है, ठीक है। तो ये दिया है फ्रोबेल ने, जो जर्मनी के थे। मोंटेसरी प्रणाली, मारिया मोंटेसरी ने दिया है, ये इटली के थे, ठीक है। नेक्स्ट है खेल विधि। खेल विधि यानी कि खेल खेल में बच्चों को सिखाना, ये होती है हमारी खेल विधि। तो ये दी है कोल्डवेल कुक ने, ठीक है, कोल्डवेल कुक ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और परीक्षा में हमेशा 1-1, 2-2 नंबर की या इससे ज़्यादा ये पूछी जाती हैं, तो हमें इनका ज्ञान होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है डाल्टन पद्धति या डाल्टन विधि। कई बार हम लोग डाल्टन विधि के जनक डाल्टन को ही लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। डाल्टन विधि के जनक हैं हेलन पाग हस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है खोज विधि, अनुसंधान विधि और ह्यूरिस्टिक विधि। ये तीनों एक ही विधि हैं और इनका जनक भी एक ही है। कभी कभी सीधे पूछ लेता है कि ह्यूरिस्टिक क्या है। ह्यूरिस्टिक का ये अर्थ होता है खोज करना, ठीक है। तो इन तीनों विधियों का जनक एक ही है, ये है आर्मस्ट्रांग, जो ब्रिटेन से संबंधित है, आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि जो कि जो आँखों से जो देख नहीं पाते हैं, या फिर जो दृश्य बाधित होते हैं, दृश्य बाधित जो होते हैं, ब्लाइंड बच्चे जो होते हैं, उनके लिए ये विधि प्रयोग की जाती है, ब्रेल लिपि, ठीक है। तो ब्रेल लिपि ऐसी होती है कि किसी भी इस पे, जैसे किसी भी चौक चकोर चीज़ पे या जो लकड़ी की चीज़ होती है उस पे ऐसे दाने दाने नुमा सेब बने रहते हैं। तो इससे जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं वो इन पे हाथ लग कर इनको स्पर्श कर करके इसको पहचानते हैं, तो इसी कहते हैं ब्रेल लिपि। ये दी है लुइस ब्रेल ने, ठीक है, लुइस ब्रेल ने इसको का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है व्याकरण अनुवाद विधि। तो ये इंडिया के थे, इन्होंने दी है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी ने। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि। अब दो विधियाँ यहाँ पर ऐसे आते हैं जिनमें हमें काफ़ी कन्फ्यूज होता है। पहले है प्रश्नोत्तर विधि, सुकरात ने दी है,
अब इसके बाद दूसरी विधि आती है आपकी, ये आती है प्रश्नावली विधि। ठीक है, तो प्रश्नावली विधि दी है आपकी वुडवर्थ ने, ठीक है, और प्रश्नोत्तर विधि दी है सुकरात ने। इसमें कन्फ्यूज मत करना, प्रश्नोत्तर दी है सुकरात ने, रो रो की पुनरावृत्ति जहाँ पर हो रही है, प्रश्नोत्तर सुकरात और प्रश्नावली वुडवर्थ ने दी है। नेक्स्ट है मूल्यांकन विधि, जे एस राइस। मूल्यांकन विधि के प्रतिपादक हैं जे एस राइस। ये जे एस राइस वही हैं जिनको श्रेय जाता है भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण करने का। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण किया था इन्होंने, जे एस राइस ने, 1922 ईस्वी में। और जो दुनिया का पहला मनोविज्ञान परीक्षण हुआ था, ये हुआ था बिने एवं साइमन बुद्धि परीक्षण, बिने एवं साइमन बुद्धि परीक्षण, ये हुआ था 1905 में। और 1922 में भारत का बुद्धि परीक्षण हुआ था जो किया था जे एस राइस ने। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण विधि। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक हैं रॉबर्ट बुश एंड एचिनसन, लेकिन इनके मुख्य प्रवर्तक को माना जाता है एलन को। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन में अगर सिर्फ एलन आता है तो आपने एलन ही करना है। रॉबर्ट बुश और एचिनसन और एलन, चार लोग थे जिन्होंने इसको प्रतिपादित किया, लेकिन वास्तविक जन्मदाता माना जाता है यहाँ पर एलन को। ठीक है, क्योंकि इसने इसका प्रचारित किया, प्रसारित किया, सब जगह विख्यात किया, इसमें संशोधन किया, सब कुछ एलन ने किया है। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा पद्धति, ये दी है महात्मा गांधी ने। 1937 में जो वर्धा योजना आई थी उसी के अनुसार इसको बनाया गया था। बुनियादी शिक्षा पद्धति भी इसको कहा जाता है, महात्मा गांधी की। 16वां है हमारा आगमन विधि। आगमन विधि दी है बेकन ने। ठीक है, आपने बहुत टाइम पढ़ा होगा कि आगमन विधि अरस्तु ने दी है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, आगमन एवं निगमन विधि जहाँ पर दोनों की बात आती है वो दी है अरस्तु ने। ठीक है, लेकिन आगमन विधि दी है बेकन ने। इसको बेकेनियन विधि भी कहा जाता है, और इसको मनोवैज्ञानिक विधि भी, इसको वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है, सॉरी, इसको वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से वैज्ञानिक विधि कही जाती है, मानी जाती है, तो यह है आगमन विधि। ठीक है, अब आगमन विधि क्या होती है? देखो, आगमन विधि उसे कहते हैं जिसमें हम बच्चों को पहले उदाहरण देते हैं और फिर धीरे धीरे उदाहरण की सहायता से उनको नियम तक ले जाते हैं। ठीक है, उदाहरण से नियम तक जब हम बच्चों के लिए जाते हैं तो उसको कहा जाता है आगमन विधि। ठीक है, इसमें शिक्षण के तीन सूत्र याद करने योग्य हैं। पहला सूत्र से है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। दूसरा है सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। और तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी बड़े से छोटे की ओर ला जाना है। तो आगमन विधि का सामान्य अर्थ में हो जाता है कि उदाहरण से नियम की ओर, जहाँ से विशिष्ट से हम बड़े से छोटे की ओर, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर हम ले जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं निगमन विधि पे। निगमन विधि को दिया है अरस्तु ने, दिया है निगमन विधि को। ठीक है, तो निगमन विधि में क्या होता है? पहले नियम और फिर उदाहरण। ठीक है, पहले बच्चों को नियम बताया जाता है, फिर उसके उदाहरण कराए जाते हैं या बताए जाते हैं। ठीक है, इसके शिक्षण सूत्र होते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर और कठिन से सरल की ओर। उसमें सरल से कठिन की ओर था, ये ठीक उसके विपरीत होता है, कठिन से सरल की ओर। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब आती है बात संश्लेषण विधि की। संश्लेषण विधि के जनक और विश्लेषण विधि के जनक, अभी तक कहीं इनका नाम आता नहीं है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की पूरक विधियां हैं। ठीक है, संश्लेषण का तात्पर्य होता है छोटे छोटे अंशों को जोड़कर बनाने वाली विधि। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके जब हम एक बृहद रूप में किसी को समझाते हैं तो उसको कहा जाता है संश्लेषण विधि। इसका मेन टॉपिक होता है समन्वय करना या जोड़ना, समन्वय करना या जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट है विश्लेषण विधि। अब विश्लेषण विधि इसके ठीक पूरक है जो संश्लेषण विधि है। ये काम करता है ज्ञात से अज्ञात वाले सूत्र पे, ज्ञात से अज्ञात वाले। लेकिन विश्लेषण विधि की बात करते हैं तो विश्लेषण का तात्पर्य होता है छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके समझाना किसी भी टॉपिक को। कोई बड़ा टॉपिक है, किसी बच्चे को हमें समझाना है, तो हम पहले एक छोटे छोटे टॉपिक करके उसको समझाएंगे। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि पूरा एक पाठ हमने एक दिन में ख़त्म कर लिया और बच्चे ने कुछ समझा ही नहीं, तो उस पाठ को हम छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करके बच्चों के सामने कैसे रखते हैं, उसकी उसको कैसे समझाते हैं, तो ये विधि कहलाती है हमारी विश्लेषण विधि। ये काम करती है अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी कि अज्ञात चीज से हमने बच्चे को ज्ञात चीजों की तरफ ले जाना है। ठीक है,
और लास्ट आती है हमारे यहाँ पर अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अभिक्रमित अनुदेशन विधि दी है स्किनर ने, 1954 में दी है, ठीक है। और 1964 में अभिक्रमित अनुदेशन का जो है कॉन्सेप्ट भारत में आया है वह 1964 में, 1954 में सबसे पहले अभिक्रमित अनुदेशन को दिया है स्किनर ने, ठीक है। अभिक्रमित अनुदेशन तीन प्रकार का होता है। अभिक्रमित अनुदेशन का तात्पर्य होता क्या है, पहले अभिक्रमित अनुदेशन का तात्पर्य भी वही होता है, बच्चों को छोटे छोटे खंडों में बांट करके कोई शिक्षण सामग्री प्रदान करना जिससे वो आगे की सीख सके। इसमें क्या होता है, एक लेवल रहता है, एक लेवल को पास करके बच्चे को दूसरे लेवल में जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब हम कोई गेम खेलते हैं, ठीक है, जब हम एक गेम का एक लेवल कंप्लीट करते हैं तब हम उस दूसरे गेम के दूसरे लेवल को अनलॉक कर पाते हैं। तो यही सिस्टम यहाँ है, बच्चे को इसमें स्व मूल्यांकन करना होता है, स्व क्रिया करनी होती है, ठीक है, और खुद का मूल्यांकन खुद ही करना होता है, क्रिया भी खुद ही करना होता है, आंसर भी खुद ही देना होता है। तो जब बच्चा एक टुकड़े के आंसर क्वेश्चन आंसर कर देता है तब उसको प्रेरित किया जाता है दूसरे लेवल में जाने के लिए। तो इसे कहते हैं अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इसको कहा जाता है, ठीक है। ये तीन प्रकार का होता है, ये होता है आपका दो, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, रेखीय और शाखीय, रेखीय और शाखीय, ठीक है। तो अभिक्रमित अनुदेशन को आप समझ गए, इन शिक्षण विधियों को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके डीएलएड के लिए और एलटी के लिए और आपके बीएड का एंट्रेंस जो भी होता है और सीटेट जितना भी होता है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो हमारे साथ आगे बने रहिए, हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।